हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं मनी ब्लॉकेज के ऊपर और हाउ टू इन्वेस्ट और किस तरह से सारी चीज़ें करना है लाइफ में, फिनेंशियल इश्यूज़ को कैसे रिजॉल्व करें उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगी, सीरीज़ बनाऊंगी, तो ऑलरेडी बना चुके हैं। और ये बाकी के जो पॉइंट्स हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये लाख टक्का की सजेशन है जो मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि मेरे फादर बैंक में मैनेजर थे, गवर्नमेंट बैंक देना बैंक में, अभी वो दूसरे बैंक के साथ कोलाबोरेशन में है, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक और बैंक देना बैंक आई थिंक। एनीवे, तो ये जो बैंक थे, मैं इस बैंक में पापा मैनेजर रहे, अपने जीवन के बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ष उन्होंने बिताए। तो पापा देना बैंक में मैनेजर थे, तो पापा मुझे सजेस्ट करने लगे जब मैं अर्न करना शुरू की। तो जैसे मेरे पास 1 लाख रुपीज़ होते थे, तो मैंने बोला पापा मुझे ये इन्वेस्ट कर देना है। तो पापा ने कहा एक काम करो, चलो मेरे साथ, इसको ना एक साथ नहीं करते हैं, 25 25 25 25 चार पार्ट में इन्वेस्ट करते हैं, उतने ही टाइम पीरियड के लिए करते हैं। मैंने बोला ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि देखो, कल जाके तुम्हें अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, सपोज 20,000 की, तो तुम्हें अगर 1 लाख रुपया तुमने पूरा FD कर दिया तो तुम्हें पूरा FD तोड़ना पड़ेगा 20,000 के लिए, और अगर तुमने चार पार्ट में कर दिया तो तुम एक ही तोड़ोगे और फिर अपना काम जो भी होगा, जो रिक्वायरमेंट है उसको सॉल्व करोगे, बाकी 75,000 तो रहने दोगे और आगे के इनकम भी आते रहेंगे, इस तरह से आप उसे रोल कर सकते हो। मैंने बोला अच्छा आइडिया है। तो मैंने उसी तरीके से पार्ट पार्ट में इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो इस तरह से आप इन्वेस्ट करो, अचानक पैसों के रिक्वायरमेंट होते हैं तो आप निकाल सकते हो। तो कोई कोई लोग करते हैं ना, साथ में 10 लाख फिक्स करते हैं, साथ में 25 लाख फिक्स करते हैं, 5 लाख भी करोगे इंटरेस्ट वैल्यू उतना ही आने वाले हैं, ठीक है? तो इस तरीके से अभी देखो, बैंकों में इन्वेस्ट करना उतना समझदारी तो है नहीं, बिकॉज अदर जो पॉलिसीज हैं ये सब निकल चुके हैं, उसमें आपको पैसे ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं। लेकिन बैंक होते हैं सेफ्टी, वो भी गवर्नमेंट बैंक, सीनियर सिटीजन को थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाता है। तो अगर आप माँ के साथ, बाबा के साथ कंफर्टेबल हो तो आप उनके साथ उनके नाम से पैसे रखो, साथ में आपका नाम भी रखो, ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर वो आपके सीनियर सिटीजन है, पापा या मम्मी, तो क्या होगा, वो पैसे आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। मेक श्योर कि आपके अदर भाई बहन जो है वो बाद में परेशानी का कारण ना बने, वो भी चेक कर लेना, नहीं तो मॉम के साथ या डैड के साथ आप अपना मनी इन्वेस्ट करो, उससे क्या होगा, बैंक से आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा सीनियर सिटीजन के हिसाब से। ऐसा कंफर्टेबल नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप क्या करो, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करो, मतलब अलग अलग पार्ट पार्ट करके इन्वेस्ट करो। सपोज़ आपको LIC पॉलिसी लेना है, ठीक है, महीने का 2,000 24,000 आपका साल का पैकेज रहता है, अगर ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट आप करते हो, तो आप क्या करो, पहले 1 लाख रुपया FD कर दो, वो भी पार्ट पार्ट में, ठीक है, और उसके बाद 24,000 का एक इन्वेस्टमेंट कर दो, करके वो FD का पैसे रहन दो, वैसे टेंशन नहीं है। अभी LIC जो है इसमें इन्वेस्ट करते जाओ हर साल, अगर आप अर्न करते हो और सफिशियंट है तो ठीक है, उसमें से भरते जाओ। किसी टाइम पे आपका सैलरी अटक गई या जॉब छूट गए या कुछ भी हुआ, तो आप LIC कंटिन्यू कर पाओगे वो FD से जो आपने पार्ट पार्ट में फिक्स किए थे, वहाँ से भी आप निकाल निकाल के भर सकते हो, जब तक न्यू जॉब ना लग जाए या आपके खाने के खर्चे वगैरह कुछ टेंशन है तो भी आप निकाल सकते हो। अगर आप किसी कंपनी में, जैसे टाटा IMF हो गया या टाटा कैपिटल हो गया या LIC हो गए, कोई भी जगह पे आप इन्वेस्ट कर देते हो साथ में, तो वो इमीडिएट आपको रिटर्न नहीं देते हैं, उनके अलग अलग पॉलिसीज होते हैं। अगर आप FD कर देते हो, छोटे छोटे FD करके रख देते हो, तो आप कभी भी उसको इन कैश, मतलब कभी भी उसको कैश को तोड़ सकते हो, कभी भी ले सकते हो, ATM से पैसे निकालते हो, वैसे ही आप 1 घंटे में जाके बैंक से आपका जो FD रहेगा उसको आप अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही आइडिया वाले हो जाएगा कि आप एक सेफ्टी सिक्योरिटी मनी थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करके रख दिए।
ठीक है। गवर्नमेंट बैंक में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो प्राइवेट बैंक में भी पॉलिसीज होते हैं, लेकिन उनके पॉलिसीज ना चेंजेस होते रहते हैं। कैसे मेरे चाचा ने बताया था, आईसीआईसीआई के एक उन्होंने बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया था और बाद में जो उनका इंटरेस्ट था वो बढ़ने की जगह घट गया था, तो चाचा का जो पैसे आने वाले थे वो प्रॉफिट की जगह लॉस में था, ऐसा कुछ सिचुएशन था, तो वो बहुत परेशान थे। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस गैदर करके ही मैं आज वीडियो बना रही हूँ। तो इसीलिए गवर्नमेंट का जो रूल है, सिंपल चीज़ों में इन्वेस्ट करें और आगे सरलता से जीवन जिए, ठीक है। अभी आप इन्वेस्टमेंट का तो समझ गए, इस तरह से आप एलआईसी पॉलिसी डाल दो साइड में, एक होते रहेगा। एक अगर आप अपने रोटी रोजी खर्चे, जो भी आपके होम लोन भी है, बच्चों का पढ़ाई वढ़ाई, ये सब करके भी आप 5-6 हज़ार सेव कर रहे हो, तो उसमें से 2 हज़ार करके आप एलआईसी में डाल दो, 3 हज़ार रखो, एक्स्ट्रा पैसा हो जाता है तो कहीं एफडी बना दो, ठीक है। लूज लूज पैसे, क्योंकि अभी आप बैंक में अगर 2 लाख 3 लाख रखते हो अकाउंट में, वो रिस्की है, कभी भी किसी का भी अकाउंट से पैसे चोरी हो जाते हैं। तो इसके लिए या तो आपके एटीएम चोरी हो गया, या तो कुछ भी हो सकता है, या तो कोई हैक कर लिया आपके फोन पे, आपके फोन या आपके पैसे ले लिए। तो कभी भी ऐसे अकाउंट जो होते हैं ना, जहाँ पे फोन पे होते हैं या जी पे होते हैं, उन अकाउंट्स में जस्ट रोज के पैसे रखो, लाइक 15 हज़ार, 7 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार से ज्यादा उसमें मत रहने दो। उस अकाउंट से उठाओ और एफडी डाल दो, उससे क्या होगा, आपके जो रोज के पैसे हैं वो चलते रहेंगे। कल कोई हैकर ने हैक कर लिया या आपके कुछ भी प्रॉब्लम हो गए है ना, फोन पे या गूगल पे या और भी मनी ट्रांसफर के ऐप से, तो आपके पैसे सेफ है, बिकॉज आप उतना पैसे उठा लोगे। अगर चोर चोरी करने की कोशिश भी किया और चोरी आपके बदकिस्मती से हो भी गए, तो कितना होगा, 8-10 हज़ार ही होंगे। और अगर आप लाखों रुपया रख दोगे अकाउंट में लूज, तो कभी भी हो सकता है। तो जैसे ही ऐसे पैसे आएंगे उसको उठाओ और सीधा गवर्नमेंट बैंक में एफडी डाल दो, 15 हज़ार 20 हज़ार लूज लूज अमाउंट डालते जाओ, ठीक है। इस तरह से आप एफडी करते जाओ। और जैसे आप ये किए ना, एलआईसी पॉलिसी है, जो भी पॉलिसीज आप डालते हो उसमें, वो एफडी में से थोड़ा थोड़ा करके हर एक महीने में निकाल सकते हो, साल में, जब आपके पास नॉर्मल जैसे फ्लो होते हैं ना, जॉब का या किसी का नहीं होगा तब करना वो काम, ठीक है। इस तरह से आप एफडी करके रख दो, जब आपके पास पैसों की कमी हो जाए तो एलआईसी पॉलिसी लोन जो भी आपके रिक्वायरमेंट है वो आप एफडी से तोड़ तोड़ के दे सकते हो, क्लियर। क्योंकि अगर आप किसी बड़े जगह पे, एक जगह पे एकत्रित फाइनेंस, 5 लाख 10 लाख मैंने इन्वेस्ट कर दिया, यहाँ से मुझे एक मोटा अमाउंट आने वाले है इंटरेस्ट का, अवश्य आने वाले है, लेकिन रिक्वायरमेंट अचानक हो जाएगा तो आपको पूरा 5 लाख को तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, तो आपके जो आने वाले एक साथ के रिटर्न है वो भी सारे खत्म हो जाएंगे। अगर 5 लाख एक साथ ब्रेक करते हो, अगर 1 लाख 1 लाख 1 लाख करके 5 टाइम्स ब्रेक करते हो, फाइनेंस आपको रिटर्न उतना ही आने वाला है। अलग अलग करके रखते हो तो रिटर्न आपको उतना ही आने वाला है, 5 लाख को जितना आएगा 1-1 लाख के भी उतना ही आने वाले हैं। लेकिन कभी इमीडिएट कुछ हो गया तो आप 1 लाख ही तोड़ोगे ना, बाकी 4 लाख तो छोड़ दोगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप एक साथ थोक में इन्वेस्ट ना करके अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करें, बैंक ट्रस्टवर्दी हो, जो भी जहां पे भी करने जा रहे हो, ऐसा नहीं कि ह्यूज ऑफ पीपल चले गए, कितने सारे फेक मनी के पॉलिसीज वगैरह बन रहे मिट रहे, आप सबको आइडिया भी है कितने लोग कितने सारे फंसते गए हैं बहुत सारे, ठीक है। तो इन सारे चीजों से बचना है, इन स्कैम से बचना है, समझदारी से अपना काम लेना है। इस तरह से अगर आप इन्वेस्ट करते जाते हो तो आगे जाके आपको बहुत ही फायदा मिलने वाले हैं, मनी ब्लॉकेज का कोई इशू नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कहाँ कैसे किस तरह से इन्वेस्ट करके रखना है। कभी जैसे उतर चढ़ाव आते हैं, कोविड के टाइम पे हो या ऐसे सिचुएशंस होते हैं, तो आपके पास सेफ मनी है, आप आराम से उसको ब्रेक कर करके अपना आगे का चला सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो। इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करें, इस तरह से आप फोकस रहे। और ज्वेलरी वगैरह अगर एक्स्ट्रा पैसे हैं तो ज्वेलरी वगैरह परचेस कर करके रख सकते हैं। तो ज़्यादा डेकोरेटिव वाले ज्वेलरी मत लीजिए, सॉलिड सोना जो होते हैं ना उसको खरीदने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप बहुत डिज़ाइनर कुछ पहनेंगे और वो इन्वेस्टमेंट समझ रहे हैं तो उसका पैसे नहीं आते, डिज़ाइनर के पैसे नहीं मिलते बाद में रिटर्न के टाइम पे। तो रिटर्न के टाइम पे अगर आपको मिलता है तो आपके ज्वेलरी का जो है
गोल्ड का जो वेट है, वैल्यू है, उसके ऊपर ही मिलने वाला है। तो कोशिश करें सिंपल डिजाइन का गोल्ड, अच्छा गोल्ड खरीद के रखने का। और जैसे डॉलर के भाव बढ़ते हैं, कम जब रेट गिरता है ना डॉलर्स के, तो आप डॉलर में इन्वेस्ट कर सकते हो, खरीद के रख सकते हो। 1.5 लाख 2 लाख के डॉलर आप खरीद लो, वैल्यू बढ़ेगा, बेच दो। मैं ये करती थी, डॉलर का रेट जब गिरता था उस टाइम पे खरीदती थी, और जब 62 ऐसा आप हो जाता था बेच देती थी। काफी मतलब 1.5-2 लाख के प्रॉफिट आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अलग अलग जगहों पे, तो उससे आपको फायदा ही फायदा होने वाला है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप सब अपने फिनेंस का ध्यान रखेंगे, अपने पैसों को सेफ रखना सीखेंगे और खुशी से जिएंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।